हाय फ्रेंड्स, मैं निक्की आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ आप सीखते हैं अकाउंट्स विद टैली। तो दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के दो पार्ट्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो टैली हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आइए हम जानते हैं हाउ टू ओपन टैली सॉफ्टवेयर। टैली सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने के लिए पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे और टैली ईआरपी 9 को ओपन करेंगे। यहाँ पे मैं टैली ईआरपी को डेस्कटॉप पे सेव करके रखी हूँ, तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और टैली हमारा ओपन हो जाएगा। टैली ओपन होने में थोड़ा सा सेकेंड, दो सेकेंड का टाइम लगता है। टैली में हमें वर्क करने के लिए आना होगा वर्क इन एजुकेशनल मोड पे। ये हमने टैली ओपन किया, इंटरप्रेस। आज मैं आपको बताऊंगी टैली में कंपनी बनाना, कंपनी को बंद करना, कंपनी को सिलेक्ट करना, कंपनी में चेंज करना और कंपनी को डिलीट करना, एंड कंपनी बनाते वक्त पासवर्ड लगाना। कंपनी बनाने के लिए हमें कंपनी इन्फो पे आना होगा, जिसके लिए शॉर्टकट की है ऑल्ट के साथ F3, तो वो हमने प्रेस की और ये हमारे पास कंपनी इन्फो का डायलॉग बॉक्स आया, जिसमें सिलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, क्रिएट कंपनी एंड अल्टर। पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करनी है तो कीबोर्ड से हाईलाइट वर्ड सी प्रेस कर सकते हैं या फिर इंटरप्रेस कर सकते हैं। ये हमने इंटरप्रेस किया, ये हमारे पास कंपनी क्रिएशन की विंडोज ओपन हो चुकी है। और यहाँ पे हमें कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, जैसे कि हम कंपनी बना रहे हैं राम ट्रेडर्स। राम ट्रेडर्स इंटरप्रेस किया। अगर कंपनी का कोई और भी नाम है, मेलिंग नेम, तो वो हम डाल सकते हैं, नहीं तो हमने इंटरप्रेस किया एड्रेस। ये कंपनी कहाँ की है वो एड्रेस डालनी है हमें यहाँ पे, जिसे हमने डाला समस्तीपुर। इंटरप्रेस, और भी कोई डिटेल्स है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो इंटरप्रेस करके नीचे आएंगे। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ, यहाँ पे कंट्री नेम, ये देखिए हमारे पास लिस्ट ऑफ कंट्री है, जिसमें कुछ कंट्रीज के नेम हैं, जिस कंट्री का हमारा कंपनी है वो कंट्री हम डालेंगे। तो यहाँ पे हम उस कंपनी को डालेंगे जिस कंपनी को हमारी यहाँ पे हम वही कंट्री डालेंगे जिसको हमारी कंपनी फॉलो कर रही होगी। और जाहिर सी बात है कि जिस देश को हमारी कंपनी फॉलो करेगी तो नियम कानून भी उसी देश का लागू होगा। तो हमने यहाँ पे इंडिया डाला, एक्सेप्ट स्टेट, स्टेट बिहार, इंटरप्रेस। नीचे आएंगे, पिन कोड है तो पिन कोड डाल सकते हैं, जैसे इंटरप्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, ये सब है कंपनी के तो डाल दीजिए। तो इंटरप्रेस करके आगे बढ़िए। फिनांशियल ईयर, फिनांशियल ईयर हमारा 1/4/17 से 31/3/18 का है, तो 1/4/17 इंटरप्रेस, यहाँ पे डालेंगे 31/3/2018, यहाँ डाला इंटरप्रेस। और सिक्रेटरी कंट्रोल, अगर हमें टैली में पासवर्ड लगाना है, हमें हमारा कंपनी को सुरक्षित रखना है, तो हम पासवर्ड लगाने के लिए यहाँ यूज सिक्रेटरी कंट्रोल नो है, इसे हम यस कर दे रहे हैं। जैसे ही हम यूज सिक्रेटरी कंट्रोल को यस करेंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, कंपनी के ऑनर का नाम
लिखेंगे और पासवर्ड, जैसे हमने डाला राम, पासवर्ड में हम कुछ भी डाल सकते हैं अपने मर्जी से, ये हमने डाला। एंड रिपीट पासवर्ड, हमें पासवर्ड को एक बार फिर से रिपीट करना होगा, ये हमने डाला। एंड देन इंटर, और ये करेंसी सिंबल, हमने यहाँ इंडिया कंट्री सेलेक्ट किया जिसके वजह से करेंसी सिंबल रुपीस में चेंज हो चुकी है। अगर यहाँ पे हम कोई और कंपनी सेलेक्ट करते तो करेंसी सिंबल अपने आप चेंज हो जाती। हमें इन सब में कुछ नहीं करना है, इंटर प्रेस करके आगे बढ़ना है और कंपनी को एक्सेप्ट कर लेना है। ये एक्सेप्ट का डायलॉग बॉक्स आया और हम यहाँ पे यस करेंगे एंड इंटर प्रेस किया, ये हमारा कंपनी एक्सेप्ट हो रहा है। अब देखिए हमने टैली में पासवर्ड लगाया है तो ये हमसे यूजर का नाम और पासवर्ड पूछ रहा है, तो हमने नाम में राम डाला था और पासवर्ड में हमने ये डाला। ये देखिए हमारी कंपनी ओपन हो चुकी है, तो हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है और अब हमें कंपनी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कंपनी के लिए हम सिलेक्ट से एस हाईलाइट वर्ड है, इसको कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर सकते हैं। एंड देन हमने अभी कंपनी बनाई है राम ट्रेडर्स, तो हमने राम ट्रेडर्स को सिलेक्ट किया और इंटर प्रेस किया, ये देखिए हमारी कंपनी खुल गई। और सट कंपनी, हमें कंपनी बंद करना है, यहाँ पे एक दूसरी कंपनी खोल रखी है यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशन, जिसे कि हमें बंद करना है। हम कंपनी को सेट करने के लिए सेट कंपनी पे आएंगे, हाईलाइट वर्ड एच कीबोर्ड से प्रेस करेंगे या फिर इंटर प्रेस करेंगे, हमने एच प्रेस किया। ये देखिए हमें कौन सी कंपनी को सेट करना है, यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशन को। यहाँ पे हम पेज डाउन बटन से नीचे आए और उसे सिलेक्ट किया और इंटर प्रेस किया, ये देखिए हमारी कंपनी बंद हो चुकी है, यहाँ पे सेट कंपनी नहीं है और ये कंपनी बंद हो चुकी है। अब हमें कंपनी में अल्टरेशन करना, कुछ चेंजेस करने हैं कंपनी में, जैसे कि हमने कंपनी बनाते वक्त कुछ गलती की हो या फिर कुछ छूट गया हो, तो उसे हम चेंज करने के लिए अल्टर ऑप्शन का यूज करेंगे। तो कीबोर्ड से ए प्रेस कीजिए या फिर इंटर प्रेस कीजिए। हमने अभी राम ट्रेडर्स की कंपनी बनाई है, ये हमने इंटर प्रेस किया, ये हमारी कंपनी क्रिएशन बॉक्स खुल गई और हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं। हम यहाँ पे फोन मोबाइल नंबर डाल दे रहे हैं, ये हमने डाला, इंटर प्रेस किया। फैक्स नंबर है तो डालेंगे, नहीं है तो ईमेल डाल सकते हैं। ईमेल हमने डाला, ये रहा AKRITI@gmail.com। इंटर प्रेस किया हमने, वेबसाइट अगर हमारा है तो हम वो डाल देंगे www.iptindia.com। इंटर प्रेस किया, अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है फिनेंशियल ईयर बिगनिंग्स फॉर्म, शुरुआती डेट। तो अभी हमारा फिनेंशियल ईयर है 1/4/17 से 31/3/18, ये हमने इंटर प्रेस किया और इन सब में हमें कुछ चेंजेज नहीं करने हैं। अगर हमें टैली से पासवर्ड हटाने हैं तो ये लीजिए, हम यहाँ से पासवर्ड हटा दे रहे हैं, वाई को नो कर दे रहे हैं, हमने इंटर प्रेस किया, ये हमसे रिपीट पासवर्ड मांग रहा है पहले का, ये हमने डाल दिया, इंटर प्रेस किया एंड देन एक्सेप्ट। अब आइए हम देखते हैं कि हमने जो कंपनी में पासवर्ड लगाए थे वो है या नहीं। एस्केप की से हम टैली से बाहर आएंगे, क्विट बॉक्स आ गया, हमें टैली से बाहर जाने के लिए इंटर प्रेस किया, ये हम टैली से बाहर आ गए। वापिस हम फिर से टैली ERP9 को ओपन कर रहे हैं, ये हमारी टैली की विंडोज ओपन हो चुकी है। हमें टैली में वर्क करना सीखना है तो वर्क इन एजुकेशनल मोड पे आके इंटर प्रेस किया, ये हमारा गेटवे ऑफ टैली का बॉक्स खुल गया।
हमें जाना है कंपनी इन्फो पे। कंपनी इन्फो पे जाने के लिए हम कीबोर्ड से शॉर्टकट की अल्ट F3 प्रेस करेंगे और ये आ गया हम कंपनी इन्फो पे। हम जो अभी कंपनी बनाए थे वो हमें सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट कंपनी पे आके हमने इंटर प्रेस किया। हमने अभी कंपनी बनाई थी राम टेड्रस, हमने उसे सेलेक्ट किया और इंटर प्रेस किया। ये देखिए अभी बगैर पासवर्ड के ये कंपनी ओपन हो गई। एक कंपनी बंद करना सीखें। कंपनी बंद करने के लिए हम आएंगे शट कंपनी पे। यहाँ पे एच हाईलाइट वर्ड है, उसको हम कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। और हमें कंपनी बंद करनी है यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशन, ये हमें उसे सिलेक्ट किया और हमने इंटर प्रेस किया। ये देखिए हमारी बंद हो गई। हमने सीखा कंपनी सिलेक्ट करना, कंपनी बंद करना, कंपनी क्रिएट करना और कंपनी में चेंजेस करना। अब हम सीखेंगे कंपनी डिलीट करना। तो ये कंपनी डिलीट करने के लिए हमें अल्टर ऑप्शन पे जाना है। और जैसे हमने राम ट्रेडर्स अभी कंपनी बनाई है और हमें उसे डिलीट करना है, तो अल्टर ऑप्शन पे आए, इंटर प्रेस किए, राम ट्रेडर्स सेलेक्ट किए, इंटर प्रेस किए और ये आ गया कंपनी क्रिएशन अल्टरेशन बॉक्स। यहाँ पे हम कीबोर्ड से शॉर्टकट की अल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे। ये देखिए आ गया डिलीट का डायलॉग बॉक्स। हमें कंपनी डिलीट करनी है। अगर कंपनी डिलीट करनी है तो वाई प्रेस करेंगे, अगर नहीं करनी है तो नो प्रेस करेंगे। हमने कंपनी डिलीट करनी है, हमने वाई प्रेस किया। ये हमसे एक बार और पूछेगा आर यू श्योर, हमने फिर से इंटर प्रेस किया। ये देखिए हमारी कंपनी डिलीट हो चुकी है। अब राम ट्रेडर्स जो कंपनी हमने बनाई थी वो कंपनी हमारे टैली में नहीं है। तो आइए हम सिलेक्ट कंपनी में देखें कि हमने जो कंपनी डिलीट की है वो है या नहीं है। हमने सिलेक्ट कंपनी, इंटरप्रेस, ये देखिए यहाँ पे दो कंपनी है, एक बालचंद एंड एक यूनिवर्सल। राम ट्रेडर्स की कंपनी डिलीट हो चुकी है। तो अगर हमें बालचंद की कंपनी भी डिलीट करनी है तो यहाँ पे हम एस्केप की से बाहर आएंगे एंड सेलेक्ट कंपनी, बालचंद की कंपनी हमने सेलेक्ट की और अल्टर पे जाएंगे एंड देन इंटरप्रेस, इंटरप्रेस। यहाँ पे हम कीबोर्ड से शॉर्टकट की अल्ट डी प्रेस किए। ये देखिए हमसे पूछ रहा है कंपनी डिलीट करना है या नहीं। अगर हमें कंपनी डिलीट करना है तो हम वाई प्रेस किए कीबोर्ड से। ये फिर से आर यू श्योर का डायलॉग बॉक्स आ गया और हमें कंपनी डिलीट करनी है तो हम फिर से यस प्रेस किए। ये देखिए हमारी कंपनी ये भी डिलीट हो चुकी। अब ये हमने जो कंपनी डिलीट की वो है या नहीं देखने के लिए हम सेलेक्ट कंपनी पर जाएंगे। ये देखिए बालचंद की कंपनी भी डिलीट हो चुकी है, एक यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशन की कंपनी बची हुई है। तो एस्केप की से हम टैली से बाहर आएंगे। तो आपने सीखा कंपनी बनाना, कंपनी क्रिएट करना, कंपनी में अल्टर करना, कंपनी सेलेक्ट करना, कंपनी में पासवर्ड लगाना, पासवर्ड हटाना, कंपनी डिलीट करना एंड कंपनी में कुछ चेंजेस करना। एस्केप की से हम बाहर आएंगे। टैली से बाहर आने के लिए हमें इंटर प्रेस करना है। ये हम टैली से बाहर आ गए। तो अब हम अगले क्लास में अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो दिए गए नंबर पर कॉल करें। और आप हमारी DVD परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.iptindia.com पर लॉगिन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।